नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम सभी ने एक शब्द एक धारा के बारे में सुना है, दैट इज 482, यानी 482 की पिटीशन लगाई जाती है हाई कोर्ट में। और ये 482 जो होती है, 482 पिटीशन जो होती है, ये किस लिए प्रयोग में लाती है और इस 482 का क्या नेचर है, आइए इस वीडियो लेक्चर में हम समझते हैं कि धारा 482 है क्या और इसका क्या नेचर है और ये किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कब इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉइजी में, जिसमें हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। और आज इसी तारतम्य में आज का जो विषय है, दैट इज सेक्शन 482 सीआरपीसी, यानी धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता। हम सभी को पता है सीआरपीसी हमारे देश का दांडिक प्रक्रियात्मक कानून है, मतलब प्रोसीजर दिखाने वाला कानून है। इसी कानून के तहत न्यायालय की जितनी भी दांडिक न्यायालय है, यानी जितने भी क्रिमिनल कोर्ट है, उन क्रिमिनल कोर्ट की जो प्रोसीजर है, यानी किस प्रकार से उनकी प्रक्रिया होगी, ये सारी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में बताई गई है। यानी सीआरपीसी 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 हमारे देश का प्रक्रियात्मक कानून है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 484 धाराएं हैं, देर आर 484 सेक्शंस एंड 37 चैप्टर, और जो आखिरी चैप्टर है 37, उसमें मिसलेनियस यानी विविध बताए गए। और इसी 37वें चैप्टर में एक धारा है 482, जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, यदि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इलीगल है, यदि वो गलत तरीके से लगाई गई है, अब्यूज ऑफ लॉ है, तो उसको क्वैश करने के लिए, क्वैश का मतलब होता है खात्मा करने के लिए, जैसे एफआईआर के खात्मा करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के खात्मा करने के लिए, या किसी अन्य कोई ऐसी कार्रवाई जिसकी वजह से कोई हैरेसमेंट हो रहा है, तो उस हैरेसमेंट को दूर करने के लिए, यदि आपके पास कोई और वैकल्पिक चारा नहीं है, कोई वैकल्पिक रेमेडी अवेलेबल नहीं है, तो इस स्थिति में हाईकोर्ट के सामने 482 पिटीशन लगाई जाती है। तो धारा सीआरपीसी जो है हमारे देश का प्रोसीजरल लॉ है, और इसमें हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर भी दिए गए, यानी उच्च न्यायालय के पास इनहेरेंट पावर का मतलब होता है अंतर्निहित शक्ति दी गई है, एक ये वैवेकिक शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है, कि जहां पर हाईकोर्ट जो है उसको कोई से भी किसी भी प्रकार के ऐसे आदेश देने की शक्ति दी गई है कि जिसमें कानून की प्रक्रिया का यदि अब्यूज हो रहा है, यदि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है और उस कानून की प्रक्रिया का कोई इलीगल प्रोसिक्यूशन है, तो उसे क्वैश करने का यानी उसको खात्मा करने का अधिकार दे रखा है। यद्यपि नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता है कि नीचे वाली अधीनस्थ न्यायालयों में यदि कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालयों के कंधों पर यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह भी देखें कि किसी को कानून की वजह से इलीगल प्रोसिक्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से लोगों को राहत देने के लिए, कानूनी राहत देने के लिए 482 इंसर्ट की गई। यद्यपि सीआरपीसी हमारे देश में जो चैप्टर नंबर 37 है, जो लास्ट चैप्टर है, उसमें इस धारा को रखा गया है, जिसमें हाईकोर्ट इस 482 पिटीशन यदि लगाई जाती है तो हाईकोर्ट को यह पावर दे रखा है कि हाईकोर्ट ऐसे समस्त आदेश पारित कर सकते हैं टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, यानी न्यायालय को लगता है कि न्याय हित में ये करना जरूरी है और कोई विकल्प मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करके टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, यानी न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 482 के अंदर आदेश जारी कर सकते हैं। अब यदि हम देखें तो जो पुरानी सीआरपीसी है, 1898 की जो सीआरपीसी थी, उसमें ये प्रावधान नहीं था, उसमें ये जोड़ा गया था, द सेक्शन वॉज एडेड इन ईयर 1923, ये 482 जो है 1923 में ऐड हुई थी, और अब जो वर्तमान में जो सीआरपीसी चल रही है 1973, उसमें 482 रखी गई है। ये जो यदि हम 482 की बात करें तो इसमें आदेश पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं और जुडिशियल ऑर्डर भी हो सकते हैं, मतलब न्यायिक आदेश भी जारी किए जा सकते हैं और प्रशासनिक आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। अब इसमें मेनली तीन बातें देखी जाती है, 482 में तीन इंपॉर्टेंट बातें होती है, टू गिव, ये 482 के सेक्शन में ही बताया गया है, टू गिव इफेक्ट ऑर्डर अंडर सीआरपीसी, यदि कोई सीआरपीसी में कोई आदेश दिया गया है और उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो उसको पालन करवाने के लिए 482 लगाई जा सकती है, टू प्रिवेंट अब्यूज, यानी अब्यूज मीन्स दुरुपयोग करना, प्रोसेस ऑफ कोर्ट, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से न्यायालयिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे रोकने के लिए भी 482 लगाई जा सकती है, एंड एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी न्याय प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को दूर करने के लिए, न्याय प्राप्ति के लिए भी 482 का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट में जो सेंटेंस कहे गए थे, अगर उसको देख लें तो 482 पूरी क्लियर होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक मामले का निर्णय देते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जो हाईकोर्ट है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ही नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ मतलब सिर्फ विधि का न्यायालय नहीं है, हाईकोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ
कोड ऑफ जस्टिस यानी न्याय का, कोड ऑफ जस्टिस यानी न्याय दिलाने के लिए भी वो है। सिर्फ कानून से यदि न्याय नहीं होता है तो डिस्क्रिशन से, विवेक से भी न्याय का प्रयोग किया जा सकता है। तो 482 एक प्रकार से व्यापक अंतर्निहित शक्ति हाईकोर्ट को देती है। हाईकोर्ट अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके न्याय प्राप्ति के लिए आदेश जारी कर सकता है। हालांकि ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी विवेकिक शक्ति है। 482 में आदेश जारी करना या नहीं करना ये न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है। तो इसका जो नेचर है वो डिस्क्रिशनरी है। और लेकिन ये कहा गया कि यदि पार्टी क्लीन हैंड्स के साथ, यदि पार्टी स्वच्छ हाथों के साथ आई है, पार्टी गुड फेथ में न्यायालय के पास आई है, पार्टी का कोई यानी पक्षकार का किसी प्रकार का कोई मैलिस इंटेंशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 482 के अंतर्गत आदेश जारी होते हैं। और 482 में हमने कई बार देखा है कोई FIR जो है गलत लगाई गई है, FIR को क्वैश यानी FIR का खात्मा करने के लिए, FIR को समाप्त करने के लिए कोई चार्जशीट के खिलाफ भी लाते हैं। चार्जशीट मतलब आरोप पत्र गलत है, तो उस आरोप पत्र के खिलाफ भी 482 दाखिल की जाती है। एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई जिसका दुरुपयोग हो रहा है या जिससे अन्याय की संभावना है, उन सबको समाप्त करने के लिए 482 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये तभी होगा व्हेन देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल, यदि कोई वैकल्पिक उपचार या वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप 482 की पिटीशन दाखिल कर रहे हैं तो आपके पास कोई अन्य वैकल्पिक उपचार अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यदि अन्य वैकल्पिक उपचार अवेलेबल है तो 482 डिक्लाइन हो सकती है, मतलब खारिज हो सकती है। कुल मिला के 482 जो है इलीगल प्रोसिक्यूशन यानी गैर कानूनी अभियोजन को अंत करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। तो मित्रों ये है धारा 482। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।